Now try this question, which is very simple question in this category. Okay, let's try this one. This curve is parabola. However, you are not supposed to draw the parabola exactly on axis. ये पैराबोला होगा ना, और ये एक लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस टू. कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कोई आइडिया कैसे निकालेंगे? कॉमन नॉर्मल तो चलो ठीक है, पर उसको निकालेंगे कैसे? हाँ, यू कंपेयर द स्लोप ऑफ दिस पैराबोला टू व्हाट? वन, बिकॉज द पॉइंट at which we have common normal, at that point tangent will be parallel to this line. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो. क्या आ रहा है पॉइंट? यू हैव डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3. यू कंपेयर दिस वैल्यू टू वॉट? 1. देन यू गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1. सो फॉर दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1. यू पुट x माइनस 1 हियर, सो y वैल्यू इज 0. जीरो आएगा वाई वैल्यू, ठीक है. देन यू गॉट द पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम विच विच पॉइंट इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन. तो अब तो आ जाएगा डिस्टेंस. क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो. एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? माइनस वन माइनस जीरो माइनस टू बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू. सो आंसर इज 3 by root 2. We also got the point where this shortest distance occur. Let's see one more question from application of tangents and normal. Try this question.